हमारी जांच सरगर्मी से चल रही है। हमने 3 दिन से जो कन्हैया को गिरफ्तार किया उससे हमारी बातचीत हुई है और हमारी जो मतलब जो हमें जानकारी प्राप्त करनी थी उससे हमने प्राप्त की है। इसके अलावा जो व्यक्ति अभी इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं और भागे हुए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए क्या उनके आतंकी कनेक्शन है कश्मीर के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अब तक कोई हाफिज सईद की एस्टेब्लिश हुआ है लिंक सर? देखिए ऐसा है कि कन्हैया जो गिरफ्तार हुआ है उसकी जो इंटरोगेशन हमने की है अब उस इंटरोगेशन को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में अगर कोई इस प्रकार का निष्कर्ष निकलेगा तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक नहीं निकला? देखिए अभी हमारी जो है अभी तो उसकी क्योंकि आज उसका तीसरा आज उसको पेश करना है अभी तो उससे बातचीत जारी है। जब बातचीत जारी है तो निष्कर्ष तो निकलने का मतलब ही पैदा नहीं होता तो निष्कर्ष जो निकलेगा उसके बारे में आपको सही समय पे सही जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इतना कहना मतलब सफिशियंट होगा कि ये व्यक्ति उस दिन उस मजमे में शामिल था और इसने जो है उसमें स्पीच भी दी थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था जहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे और राष्ट्र विरोधी बातें की गई थी जिनसे जो है जो सेक्शन 124A के तहत आती हैं। देखिए जहां तक हमारी जो हमें जानकारी है जो इन्फॉर्मेशन से लगता है और वो एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है ही वॉज पार्ट ऑफ दैट अल्लाहफुल असेंबली जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। नारा लगाया बिल्कुल उसने भाषण भी दिया है नारेबाजी भी की है। तो यू थिंक कन्हैया रेज एंटी नेशनल? बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए तो उसे गिरफ्तार किया गया।